अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जायका बाय ज़ायरा। आज हम बना रहे हैं नारियल की बर्फ़ी, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। नारियल की बर्फ़ी बनाने के लिए हमें चाहिए डेसिकेटेड कोकोनट। ये मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, यानी कि गरी का बुरादा। ये हाफ़ केजी है। अगर आपके पास गरी का बुरादा नहीं है और गोले वाली है तो आप उसको भी पीस सकते हैं मिक्सी में करके। तो चलिए अब इसको हम लोग बनाते हैं। अब इसको हमको रोस्ट करना है, तो चलिए अब एक पैन गरम कर लें, फिर उसमें हम लोग ये जो गरी का बुरादा है उसको डाल लें। तो फ्रेंड्स, हमने सारे गरी के बुरादे को पैन में डाल लिया है। अब इसको हमको अच्छे से रोस्ट करना है इसमें, जब तक कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए, एक अच्छा कलर ना आ जाए। मैंने इसमें घी नहीं डाला है, इसको मैं कच्चा ही रोस्ट कर रही हूँ, बिकॉज़ नारियल खुद घी रिलीज़ करता है। तो इसको हम लोग रोस्ट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कोकोनट को अच्छे से रोस्ट कर लिया है। इसका कलर अब चेंज हो चुका है, हल्का गुलाबी हो गया है और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। तो इस स्टेज पे आप फ्लेम को बंद कर दें और इसको अब हम लोग इसके नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। करो तो फ्रेंड्स, हमने कढ़ाई चढ़ा दी है फ्लेम पे, उसमें मैंने 150 ग्राम्स देसी घी डाला है और वो गर्म हो गया है। अब हम डालेंगे उसमें दो छोटी हरी इलायची। हमको बर्फ़ी जमाने के लिए सिरप तैयार करना है। तो अब ये तो फ्रेंड्स, हमारी चीनी बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे एग। मैंने ये टू एग्स को बीट करके रखा था, अब इसको हम लोग इसमें ऐड करेंगे। इसको अब अच्छे से मिक्स कर लें ताकि कोई भी गांठें ना पड़े। फ्रेंड्स, एग्स डालने से ये होता है कि आपकी रेसिपी, आपकी बर्फ़ी का फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है। तो इसको ज़रूर ऐड करें इसमें। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम लोग एक तार की चाशनी बनाएंगे। तो फ्रेंड, जब तक कि हमारी चाशनी तैयार हो रही है, हम लोग एक कोई भी ट्रे ले लें या सेनी या परात कुछ भी ले लें, उसमें इस घी को अच्छे से स्प्रेड कर लें। अच्छे से घी को स्प्रेड करें, बिकॉज जब आप बर्फ़ी इस पे जमाओगे तो बर्फ़ी आसानी से निकल जाएगी, तो इसलिए घी अच्छे से इसमें लगाएं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने ट्रे में घी अच्छे से लगा लिया है। अब कोई भी आप बोल ले लें, कटोरी ले लें, उसके बॉटम पे भी घी अच्छे से लगा लें ताकि डैप करने में आपको आसानी हो। तो फ्रेंड्स, हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार है, एक तार की चाशनी रेडी है। अब इसमें हम लोग हमारी जो गरी को हमने रोस्ट करके रखा था इसको ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, हमने गरी को इसमें मिला दिया है। अब इसको हमको अच्छे से मिक्स करना है इसमें और थोड़ी देर के लिए इसको पकाना है इसमें। तो फ्रेंड्स, हमने कोकोनट को अच्छे से इसमें मिला दिया है। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे खोया, ये 250 ग्राम्स खोया है, इसको भी अच्छे से ऐड करके मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स एंड लच्छा गरी। ये मैं लच्छा गरी ऐड कर रही हूँ इसमें। अब मैं ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ, मैंने कैश्यू नट्स और आलमंड्स कट करके रखे थे, वो डालूँगी मैं, और कुछ ड्राई फ्रूट्स मैं रख दूँगी गार्निशिंग के लिए। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमारा ऑलमोस्ट बर्फ़ी रेडी है,
बस इसको 5 मिनट और हमें कुक करना है, जब तक कि ये साइड्स में चीनी जमने ना लगे। ये जमनी शुरू हो गई है, बट अभी थोड़ा और हमें इसे कुक करना है, और अच्छे से ये जमने लगे तब हम इसको उतार देंगे फ्लेम से और ट्रे में सजा देंगे। इसको 5 मिनट और कुक कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारी बर्फी एकदम जमने के लिए रेडी है। ये साइड्स में अच्छे से चीनी जमने लगी है। तो इस स्टेज पे आप फ्लेम को बंद कर दें और इसको ट्रे में, ये मैंने सारा मिक्सचर इस सेनी में निकाल लिया है। वो ट्रे में थोड़ा छोटा हो रहा था इसलिए मैंने सेनी में निकाल लिया है। अब इसको हमको अच्छे से ऐसे डैप डैप करना है। तो फ्रेंड, अब इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर, और अब हम लोग इसमें डालेंगे क्योड़ा वाटर, अब इसमें डालेंगे हम लोग ड्राई फ्रूट्स, अब डालेंगे ये लच्छा गरी, और ये डेसिकेटेड कोकोनट। और इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे इस पर। अब इसको हम लोग बर्फी शेप में कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको अच्छे से बर्फी शेप में काट लेते हैं और इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से जम जाए हमारी बर्फी। Get out of my head.